आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इटावा जनपद में थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित रघुकुल हॉस्पिटल में लापरवाही से मरीजों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अस्पताल में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने महिला के शव को अस्पताल के बाहर रखकर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा होता देख अस्पताल संचालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। इससे पहले भी अस्पताल में कई मरीजों की मौत हो चुकी है। मृतक महिला शिल्पी के परिजनों ने बताया कि कल उन्होंने शिल्पी को डिलीवरी के लिए रघुकुल अस्पताल में भर्ती कराया था और बिना डॉक्टर के यहां पर मौजूद स्टाफ ने शिल्पी का इलाज करना शुरू कर दिया। इस दौरान शिल्पी की मौत हो गई। मौत होने के बाद अस्पताल संचालक मौके से फरार हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा राजीव यादव साहब। क्या घटना हुई है? मेरी बच्ची को साहब मार दिया गया साहब। कितनी साल की बच्ची है? 25 ईयर्स साहब। क्या हुआ? बात क्या हुई है जो मार दिया? डिलीवरी होना था सर। पहली डिलीवरी थी? हाँ पहली डिलीवरी थी। कहाँ से लेके आए थे आप? मैं बर्तना, इसका ससुराल थी बर्तना, से रघुकुल हॉस्पिटल पहुँचे बर्तना में, तो वहाँ डॉक्टर साहब से बात हुई। डॉक्टर साहब उसको बोले इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बोला ठीक है। उसके बाद साहब डॉक्टर साहब अपना गाड़ी बुलाए, बोले ये मेरी पर्सनल गाड़ी है, इसमें पेशेंट को लेके मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ और आपके लिए दूसरी गाड़ी भेज रहा हूँ, आप हॉस्पिटल आ जाओ। उनकी गाड़ी बच्ची इधर आ गई साहब, हम बाद में साहब पहुँचे दूसरी गाड़ी से साहब 9:57 ऐसा कुछ टाइम था सर, ऑपरेशन हो गया साहब। बच्चा भी सही है, बच्ची से भी बात हो रही साहब। आज दिन अभी जो टाइम है उसके 2 घंटे पहले तक मेरी बच्ची एकदम सही थी, बच्चा सही था, कोई दिक्कत नहीं थी सर। मैं उससे मिलना चाहा 2-3 घंटे पहले, तो मैं बोला सर मेरे को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो बोले उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है। मामला था, क्या जानकारी है? ये प्रकरण रघुकुल हॉस्पिटल का है। यहाँ पर कल रात्रि में अर्थात 7 फरवरी की रात्रि में एक महिला एडमिट हुई थी जिनकी डिलीवरी हुई और आज दोपहर करीब 1:30 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जो परिजन हैं उनके द्वारा लिखित रूप से एक तहरीर दी गई है, उस तहरीर के आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले भी अभी तहरीर इसकी प्राप्त हुई है और इसकी विस्तृत जाँच की जाएगी और जो भी इससे संबंधित जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल ले जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज़। नमस्कार।